नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल दत्त है। मैं व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा में कार्यरत हूँ। आज हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के बारे में। आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, हम ये जानेंगे इस लेक्चर में हम किस प्रकार स्पेलिंग और ग्रामर चेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम ये जानेंगे अगर कोई नए वर्ड जिनको एमएस वर्ड में रेड मार्क किया जाता है, अर्थात स्पेलिंग में मिस्टेक दिखाई जाती है, हम उसको किस प्रकार से डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं ताकि जब हम दोबारा उस वर्ड को एमएस वर्ड में इस्तेमाल करें तो उसको स्पेलिंग में एरर ना दिखाया जाए, अर्थात स्पेलिंग उसकी गलत ना दिखाई जाए। साथ ही हम बात करेंगे हम किस प्रकार एमएस वर्ड में कुछ ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे वो चार्ट हो, चाहे वो ऑटो शेप्स हो, चाहे वो क्लिप आर्ट हो अथवा इमेजेज हो। तो इन बिंदुओं पर आज हमारी चर्चा आगे रहेगी। शुरुआत करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर से। आप किस प्रकार स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों हमें पड़ती है बार बार? आप किस तरह से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर तक पहुंच पाएंगे? चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, हमने चित्र में रेड मार्क किया हुआ है। रिव्यू ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको स्पेल एंड ग्रामर पर क्लिक करना होगा। जो ही आप स्पेल एंड ग्रामर पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का स्क्रीन आपके स्क्रीन के ऊपर रहेगा, कुछ इस तरह का चित्र जो कि आपको दिखाई दे रहा है। हमने प्रयास किया है कुछ लाइन ऑफ टेक्स्ट को उसमें शामिल किया है। पहली जो सेलेक्टेड जो वर्ड है उसमें रेड अंडरलाइन आपको दिखाई दे रही है। यह रेड अंडरलाइन यह बात दिखाता है कि आपका यह करेक्टर या कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स अर्थात यह शब्द इसके ग्रामर के रूल्स को वॉयलेट करता है, अर्थात इसके ग्रामर की रूल के अनुसार यह गलत शब्द है। तो चित्र में डायलॉग बॉक्स जो ओपन है उसमें आपको कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं। क्या आप इस शब्द के स्थान पर इनमें से कोई शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं? सजेशन बॉक्स में आपको सजेशंस दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं हाँ वह शब्द सही नहीं है जो सजेस्ट किए गए हैं, उनमें से दिए गए कोई एक का आप चुनाव कर सकते हैं और साथ ही चेंज बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं यह शब्द आपके डॉक्यूमेंट में कई बार आया हुआ है तो आप क्लिक कर सकते हैं चेंज ऑल पर, आपको चित्र में दिखाया गया है। अगर आप यह चाहते हैं कि जो चित्र में आपको दिखाया जा रहा है सजेशन बॉक्स में उसमें से आपको कोई भी शब्द का चुनाव नहीं करना है, अर्थात आपकी लिखी गई स्पेलिंग जो सजेशन बॉक्स में दी गई स्पेलिंग है उनसे मैच नहीं खाती है, तो आप क्या कर सकते हैं? हमने रेड मार्क किया हुआ है कुछ बटन्स पर, आप ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन है इग्नोर रूल। आप यह कहना चाह रहे हैं कि इस रेड मार्क को हम इग्नोर करते हैं, अर्थात आपका स्पेलिंग करेक्ट है। दूसरा आप कहना चाह रहे हैं इग्नोर ऑल। अगर आप इस बटन पर क्लिक करते हैं इससे यह बात प्रदर्शित होती है इस डॉक्यूमेंट में अगर यह वर्ड एक से ज़्यादा बार आया है तो जितनी बार भी यह वर्ड आया है उतनी बार यह वर्ड सही है, इसको इग्नोर ऑल अर्थात जितनी जगहों पर है सब जगहों से इस बात को इग्नोर कर दिया जाए। जो तीसरा बटन है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें लिखा हुआ है ऐड टू डिक्शनरी। अगर आप इस बटन पर क्लिक करते हैं आप यह कहना चाह रहे हैं कि जो वर्ड आपने लिखा है जिसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्पेल एंड ग्रामर चेकर यह बता रहा है कि ऑप्शन गलत है, आपने जो वर्ड लिखा है वो स्पेलिंग ठीक नहीं है, तो जो ही आप ये कहना चाहते हैं आपका लिखा हुआ वर्ड ठीक है तो आप क्लिक कर सकते हैं ऐड टू डिक्शनरी। जब दोबारा कभी आपको यह शब्द लिखना होगा तो आपका स्पेल चेकर ऑप्शन इसको रेड नहीं करेगा, अर्थात इसको एरर नहीं करेगा। तो हमने जाना किस प्रकार से स्पेल एंड ग्रामर चेकर हमारे लिए लाभदायक टूल है, हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करता है, करेक्ट करने के सजेशंस देता है
अगर हमने कुछ ऐसे नाम लिखे हैं जो कि उसकी डिक्शनरी में इंक्लूड नहीं हैं, हमें यह भी सुविधा देता है कि हम इन वर्ड्स को, इन नए वर्ड्स को एमएस वर्ड की डिक्शनरी में स्टोर कर सकते हैं, किस में क्लिक करके, ऐड टू डिक्शनरी में क्लिक करके। इस प्रकार संपूर्ण डॉक्यूमेंट का परीक्षण करने के बाद अगर सारी स्पेलिंग उसके ग्रामर चेकर के अकॉर्डिंगली ठीक हो जाती हैं, तो आपको कुछ इस तरह का जो अलर्ट बॉक्स है आपके स्क्रीन पर दिखेगा, जो कि चित्र में दिखाई दे रहा है, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीटेड। तो आप इस पर ओके बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार आपका यह डॉक्यूमेंट स्पेल एंड ग्रामर चेकर का कंप्लीट होता है। तो बात करते हैं किस प्रकार से हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना होगा। चित्र में रेड मार्क किया गया है, लाल चिन्ह से दिखाया गया है, आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। इंसर्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक स्क्रीन जो है लाल रंग से चिन्हित किया हुआ दिखाई दे रहा है। इसी जगह से आप ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। उसमें प्रमुखतया हैं, पिक्चर्स है, क्लिप आर्ट है, शेप्स है, स्मार्ट आर्ट है, और साथ ही चार्ट भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। आइए इस पर बात करते हैं किस प्रकार वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई इमेज इंसर्ट की जा सकती है। इंसर्ट बटन में क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट के पिक्चर बॉक्स पर क्लिक कीजिए, पिक्चर आइकन पर क्लिक कीजिए। जो ही आप पिक्चर आइकन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी, जो कि चित्र में दिखाई दे रही है। अब यहाँ से जिस भी तरह की इमेज अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना चाह रहे हैं, उसको सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार आपकी इंसर्ट की भी इमेज आपके वर्ड डॉक्यूमेंट पर इंक्लूड हो सकती है। अगर आप कुछ अन्य ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं क्लिप आर्ट पर, क्लिप आर्ट एक ऐसी सुविधा है जो स्मॉल पिक्चर्स का एक गैलरी है, जिसमें एक लाइब्रेरी कह सकते हैं स्मॉल पिक्चर्स की, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्मॉल आइकन्स हैं, चित्र हैं, क्लिप्स हैं, आपको मिलेंगी। आप उनको अपने सुविधा अनुसार इंक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्लिक करना होगा क्लिप आर्ट पर। क्लिप आर्ट पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन के दाईं ओर कुछ इस तरह का चित्र दिखाई देगा, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर चित्र में रेड मार्क किए हुए स्थान पर आप जिस तरह का ऑब्जेक्ट क्लिप आर्ट से चाह रहे हैं, उसका कुछ सिंबॉलिक आपको टाइप करना होगा। और हमने टाइप किया है कंप्यूटर, और तत्पश्चात उस बटन पर क्लिक करना होगा, सामने पर लिखा हुआ है गो। तो उस वर्ड से संबंधित जितने भी क्लिप्स हैं या पिक्चर्स हैं, स्मॉल इमेजेस हैं, वह आपके क्लिप आर्ट गैलरी पर आपको दिखाई दे रही हैं। जो ही आप किसी एक क्लिप आर्ट पर क्लिक करते हैं, वह आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में इंक्लूड हो जाता है। तो इस प्रकार हमने सीखा कि हम क्लिप आर्ट से भी कोई इमेज, कोई पिक्चर अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। बात करते हैं हम विभिन्न प्रकार के शेप्स को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्लिक करना होगा शेप्स पर। शेप्स पर क्लिक करने से पहले आपको जाना होगा इंसर्ट मेन्यू पर। इंसर्ट मेन्यू पर पहुंचने के बाद शेप्स आइकन आपको दिखाई दे रहा है, जिसको लाल रंग से चिन्हित किया गया है। जो ही आप शेप्स पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह का चित्र अंकित होगा। विभिन्न प्रकार के शेप्स कलेक्शन में यहाँ पर दिखाई गए हैं, आप उनमें से किसी भी एक शेप का चुनाव कर सकते हैं। जो भी शेप आपको जरूरी लगता है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस कर कर ड्रैग कर दीजिए। अगर आप ड्रैग करेंगे, तो उस तरह का शेप आपके वर्ड डॉक्यूमेंट पर अंकित होगा। कुछ हमने चित्र में कुछ एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर पर कुछ शेप इंक्लूड किए हैं। कुछ इस तरह से आप ट्रायंगल है और एरो है, इत्यादि तरह की शेप,
जो भी आपकी ज़रूरत के हैं इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पे लिखना भी चाहते हैं इन शेप्स पर, तो उस पे राइट क्लिक कीजिए शेप के ऊपर, एडिट टेक्स्ट या ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद इन शेप्स पर आप लिख भी सकते हैं। तो हमने ये जाना विभिन्न प्रकार के शेप्स में से हम किस प्रकार से अपने सुविधा अनुसार शेप्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। एक और सुविधा जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्मार्ट आर्ट के नाम से जानते हैं, यह एक गैलरी है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो है शेप्स का या सिंबल्स का कलेक्शन है, और वो स्पेसिफिक पर्पजेज़ के लिए बनाए गए जो है डायग्राम्स हैं उनको हम स्मार्ट आर्ट कहते हैं। अगर आपको कोई हायरार्किकल रिलेशनशिप शो करनी है, कोई ट्री स्ट्रक्चर शो करना है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं, या कोई प्रोसेस शो करनी है, या कोई मल्टी फंक्शनल स्टेप शो करना है, तो उसके लिए आपके पास बने बनाए ग्राफिक्स का कलेक्शन है, वो विभिन्न रंगों में उपलब्ध है। और साथ ही एक अच्छी सुविधा ये है कि आप उसको अपने अनुरूप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अर्थात आप उसमें अपने हिसाब से एडिटिंग भी कर सकते हैं। इस प्रकार के कलेक्शन को हम स्मार्ट आर्ट कहते हैं। तो स्मार्ट आर्ट आइकन पर जो ही आप क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह का चित्र अंकित होगा जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें से आप चुनाव कर सकते हैं किस तरह का स्मार्ट आर्ट आप अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना चाह रहे हैं। हमने चित्र में एक प्रोसेस साइकिल इंक्लूड किया हुआ है, हमें लगता है कि इस प्रोसेस साइकिल की हमें ज़रूरत थी। आप देख पा रहे होंगे उसमें एरो के निशान भी बने हुए हैं, साथ ही अलग अलग जो है सर्कल में टेक्स्ट लिखा गया है। इस टेक्स्ट की जगह पर आप अपना टेक्स्ट अपने इच्छा अनुरूप टाइप कर सकते हैं और अपने स्मार्ट आर्ट को अपनी ज़रूरत के अनुरूप जो है ढाल सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपको कुछ और शेप्स की इनके बीच में रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो आप उन्हें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यह एक अच्छी सुविधा MS Word में आपको मिलती है, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के शेप्स का कलेक्शन स्मार्ट आर्ट के नाम से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हायरार्किकल अर्थात एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, तो भी आप उसको यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जानेंगे किस प्रकार वर्ड डॉक्यूमेंट में हम चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही हम जानेंगे चार्ट क्या चीज़ है, क्यों ज़रूरी है। जब कभी भी आप एक ह्यूज डेटा सीरीज को आसान शब्दों में प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमें डायग्राम्स की आवश्यकता होती है। पिक्चोरियल फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि उस डेटा का वही अर्थ पिक्चर के फॉर्म में भी निकल कर आए जो कि डेटा का वास्तविक अर्थ है। इस प्रकार अगर हम कोई डेटा की रिलेशनशिप को डायग्रामेटिक अप्रोच में प्रेजेंट करना चाहते हैं, हम समझते हैं कि चार्ट उसमें सर्वोत्तम है। तो चार्ट को हम अगर डायग्रामेटिक या पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कहें किसी कॉम्प्लेक्स डेटा सीरीज का, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो चार्ट एक ऐसा माध्यम है जो एक ह्यूज डेटा सीरीज को सिंपलर फॉर्म में आपके व्यूअर के सामने रखता है। तो अगर आप कोई डेटा सीरीज को शो करना चाहते हैं, तो चार्ट एक अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि चार्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाए, चार्ट को हम अपने डेटा सीरीज को चार्ट में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, आइए उस बारे में जानते हैं। सबसे पहले चार्ट पर क्लिक कीजिए। चार्ट आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का कोई चित्र दिखाई देगा जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसमें विभिन्न प्रकार के चार्ट के सैंपल आपको दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी सैंपल का चुनाव कर सकते हैं। जो है आप किसी एक चार्ट पर क्लिक करते हैं, हमने अभी क्लिक किया है बार चार्ट पर, अर्थात कॉलम चार्ट भी हम इसको कह सकते हैं। क्लिक करने के पश्चात आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का चित्र अंकित होगा, जिसमें एक ओर आपके जो है डेटा सीरीज के लिए एक्सेल फॉर्मेट खुला हुआ आ रहा है, और दूसरी ओर चार्ट का सैंपल आपको दिखाई दे रहा है। इस डेटा सीरीज को आप अपने अनुरूप बदल सकते हैं। आप जो डेटा सीरीज इस चार्ट के माध्यम से प्रेजेंट करना चाह रहे थे, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
जिस जिस प्रकार आप अपने डेटा सीरीज में बदलाव करेंगे उसका रिफ्लेक्शन आपके चार्ट पर पड़ेगा। तो एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा है जिसमें आप अपने अनुरूप अपनी डेटा सीरीज को इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डेटा के रिलेशनशिप को आप डायग्राम के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे किस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के जो है ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनको एडिट कर सकते हैं। साथ ही हम बात कर रहे थे एक विशेष टूल के बारे में जिसको हम स्पेल एंड ग्रामर चेकर के नाम से जानते हैं। उम्मीद है यह लेक्चर आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद। नमस्कार।